खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। इस तनाव का असर व्यापार और लोगों पर भी देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच सामने आए तनाव के बाद भारत ने कनाडा से आने वाले लोगों के वीजा पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिससे वहां से भारत आने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं पंजाब से हर साल कई छात्र पढ़ाई के लिए कनाडा जाते हैं। इन लोगों के जहन में भी अब चिंता देखी जा रही है। पंजाब के लोगों का अपने बच्चों के लिए वहां करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। दोनों देशों के बीच बढ़ती दरार ने अब भारतीय अभिभावकों की टेंशन बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट में खालसा बॉक्स की शनिवार को जारी रिपोर्ट के आधार पर दावा किया गया कि हर साल एजुकेशन के लिए पंजाब से 68,000 करोड़ का खर्च होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल यानी 2022 में शरणार्थी और नागरिकता कनाडा के तहत कनाडा द्वारा कुल 2,26,450 वीजा को स्वीकृति मिली थी, जिनमें पंजाब से पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या 1.36 लाख थी। बताया जाता है कि जिन छात्रों को वीजा स्वीकृति मिली थी वह सभी 2 या फिर 3 साल के लिए कोर्स करने कनाडा गए हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो फिलहाल कनाडा में 3.4 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।